हेलो स्टूडेंट्स, सो आज अपने कर रहे थे पहले क्लास 9th के लिए लेसन नंबर 9। अपने गति के समीकरण कर रहे थे, नियम कर रहे थे। पहला अपनों ने गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम दोनों पढ़ लिए हैं। आज अपने करेंगे गति का तृतीय नियम। कौन सा नियम? गति का तृतीय नियम। चलो पीछे वाले कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि गति के तीनों समीकरण किसने दिए थे? न्यूटन ने। तो इसलिए अपने इसको क्या कहते हैं, न्यूटन के गति के नियम भी कह देते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, तथा इसमें बल मापने की विधि भी प्राप्त होती है। देखो कोई गेंद है या कोई भी पिंड ले लो, इस पर आप क्या करोगे, इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एफ से डिनोट करते हैं, बल लगा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, वस्तु की अवस्था जो गति है उसकी, उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, मतलब एक अगर स्थिर है तो गतिमान हो जाएगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो क्या हो जाएगी, अपने उस पर बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और हमें इससे बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। तो देखो जो द्वितीय गति का द्वितीय समीकरण किया था, उसमें अपने को एक समीकरण प्राप्त हुई थी, एफ इज इक्वल टू एम ए। किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। अगर द्रव्यमान पता है, त्वरण पता है अपने को किसी पिंड का, तो अपने क्या कर सकते हैं, उसका बल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो आगे तीसरा नियम, अब आगे पढ़ते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तक्षणिक बल लगाती है या बल लगाया जाता है। देखो एक जैसे मान लो आपके पास ना गन है, ठीक है, ये गन रही, इसको आप अगर चलाओगे ना तो गोलियों आगे की ओर जाएगी, लेकिन आपको धक्का लगेगा थोड़ा सा पीछे की ओर, अपना हाथ जो है ना पीछे की ओर थोड़ा सा खिसक जाएगा। मतलब आपने क्या किया, गोली चलाई, क्या किया, क्रिया की, और उसके बदले में जो गन थी उसने क्या प्रतिक्रिया दी, आपका हाथ थोड़ा सा पीछे की ओर हो गया, उसने भी बल लगाया। तो यही बात यहाँ कह रही है कि जब कोई पहली वस्तु दूसरी पर बल लगाएगी तो वो दूसरी भी पहली पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। देखो ये दोनों बल परिमाण में सदैव लेकिन समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण में सदैव समान, देखो अगर इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो इस साइड भी कितने लगेगा, 5 न्यूटन का, बिल्कुल बराबर बल लगेगा, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। क्लियर है? अब देखो आगे पढ़ते हैं। इससे इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में, युगल मतलब जोड़े के रूप में काम करता है, कि अगर किसी भी वस्तु पर क्रिया करोगे तो वो आपको बल जो है पलट के आपको प्रतिक्रिया जरूर देगी। अब देखो ये बल कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेजी से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। क्यों टकरा जाते हैं, देखो अपने जोर से क्या कर रहे हैं, गेंद को किक मार रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल को मार रहे हैं, तो क्या होगा, अपना बैलेंस बिगड़ेगा और अपने क्या हो जाएगा, दूसरे खिलाड़ी से टकरा जाएंगे। लेकिन इसे एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जा सकता है, कि जितना क्रिया आपने उस गेंद पर किक मारने में किया, वही प्रतिक्रिया आपको पलट के वापस मिल रही है। तो इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तब दोनों खिलाड़ी ही क्या हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। अब देखो दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता। अभी अपनों ने बात की कि बल कैसे होता है, युगल रूप में या जोड़े के रूप में होता है, अकेले नहीं होता, तो बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। ये मैं आपको पीछे क्लियर कर चुकी हूँ कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कैसे होता है, कि आप बल लगाते हो, क्रिया करते हो, और उसके बदले में आपको क्या मिलती है, उसी वस्तु से प्रतिक्रिया, दोबारा बल जो प्राप्त होता है उसे आप उसे प्रतिक्रिया कहते हो। देखो इन्होंने कहा है कि माना कि दो स्प्रिंग की तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले डायग्राम देख लो, देखो एक तो ये रहा अपने पास तुला बोल दी, ठीक है, एक ये रही तुला, इसको क्या है, ये दीवार है, दीवार के साथ तुला बी को लटकाया हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है, और बी के साथ ए को बांध के क्या कर रहे हैं, अपने खींच रहे हैं। अब सबसे पहले इधर पढ़ो, देखो क्या बता रहा है इसमें, कि तुला बी का सिरा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, दीवार से जुड़ा हुआ है, जबकि तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है। अभी अपने डायग्राम देखा, कौन सी तुला को अपने खींच रहे थे, बी वाली, ए वाली को खींच रहे थे, तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, मतलब इस वाली तुला में जितना मान आएगा उतना ही इस वाली तुला में आएगा, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी द्वारा ए पर लगाए गए बल के परिमाण में समान होता है। देखो जितना जो बल है तुला ए लगाएगी, उतना ही बल तुला बी भी लगाएगी, समान जो है बल इन दोनों पे अप्लाई होगा, लेकिन कैसे होगा, दिशाएं क्या होंगी इनकी, विपरीत होंगी। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया तथा दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं, अपने गति का
तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। देखो कैसे, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसी समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं के साथ कार्य करते हैं। देखो दो अलग अलग वस्तुएं लेनी पड़ेंगी अपने को। कांटे में देखो इसको, ठीक है, खींच रहे अपने साथ में, इसको अगर खींच रहे तभी ये खींचेगा, और जितना बल अपने फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। लेकिन इस पर बल अपने कैसे लगा रहे हैं, ऐसे, और ये इसको कैसे खींचेगा, ऐसे, इस दूसरी दीवार की साइड। तो मतलब क्या हो गया कि दोनों में बल तो समान लग रहा है लेकिन है कैसे विपरीत दिशा में। अब देखो, माना कि आप विराम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में, मतलब आप कोई मूवमेंट नहीं करे, एक जगह खड़े हो या बैठे हो, ठीक है, और एक सड़क पर चलना प्रारंभ करते हो, तो द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है। मतलब एक जगह पे खड़े हो तो आपको गति करने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, असंतुलित बल की, क्योंकि संतुलित बल से गति संभव नहीं होती, जो कि आपके शरीर में क्या करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है, यह पेशीय बल है। मतलब अपने शरीर के द्वारा जो भी बल लगाया जाएगा पेशियों के द्वारा, वो पेशीय बल कहलाएगा। देखो जो आप सड़क पर लगाते हो, चलते हो, किससे काम कर रहे हैं, अपने पैरों से कर रहे हैं, तो कौन सा बल हो गया, पेशीय बल हो गया। देखो अब क्या यह बल उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह पर अपने पैरों से, जो पृथ्वी की सतह है उसको पैरों से पीछे धकेलते हैं। देखो सड़क है, इस पर कोई ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो पैरों से उस सड़क को क्या करेगा, पीछे की ओर धकेलेगा, ठीक है, और खुद क्या जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या हो गया, बल तो बराबर लगा लेकिन कैसे लगा, विपरीत दिशा में। तो सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिससे प्रभाव से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सेम सी बात है, उसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आगे देखो क्या है, यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल में मान हमेशा समान होता है, प्रक्रिया में जितना बल लगेगा प्रतिक्रिया में जो बल लगेगा वो भी उतना ही उसके समान जो है लगेगा, लेकिन फिर भी, देखो आगे कह दिया हुआ है, हमेशा समान होते हैं लेकिन फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल, प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। देखो अगर कोई वस्तु ज़्यादा भारी है तो उस पर जो है कम ये त्वरण उत्पन्न होगा, अगर हल्की है तो ज़्यादा तो उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। देखो बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। ये मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ही गोली चलाओगे गोली आगे की ओर जाएगी, आपने क्रिया कर दी लेकिन वो पीछे की ओर पलट के वापस आएगी, मतलब क्या हो गया, आपको एक प्रतिक्रिया मिल रही है, तो वही यहाँ बता रहे हैं। देखो और गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में क्या करेगी, बल लगाएगी, इससे बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, प्रतिक्षेपित होती है, मतलब पीछे की ओर जाती है। अपने हाथ में बंदूक है तो क्या होगा, वो पीछे की ओर जाएगी, ठीक है। आगे देखो, चूँकि जो बंदूक का द्रव्यमान है गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, क्योंकि गोली क्या है, छोटी सी है, और बंदूक की क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, तो द्रव्यमान किसका ज़्यादा हो गया, इसका बंदूक का ज़्यादा हो गया, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, देखो एक नाविक द्वारा अपने नाव से आगे कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जाता है। देखो नाविक क्या करेगा, आगे की ओर कूदेगा लेकिन उसकी जो नाव है वो क्या करेगी, पीछे की ओर जाएगी। देखो नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो दो डायग्राम अभी अपनों ने बंदूक वाला किया था, वो ये रहा, ठीक है, गोली आगे की ओर जाएगी और प्रतिक्रिया कहाँ होगी, पीछे की ओर, और देखो नाविक जो है आगे की ओर अपना पैर रख रहा है लेकिन नाव क्या जाएगी, पीछे की ओर जाएगी, तो ये क्या हो गया, अपना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, ठीक है। अपना जो है नियम ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद आता है अपना संवेग संरक्षण का नियम आता है, ये करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।